न्यूज़ जो खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। चार दिनों तक चलने वाले महापर्व डाला छठ के आखिरी दिन बुधवार को महिलाओं ने उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर घर में सुख शांति समृद्धि की कामना की। संगीता तिवारी, किस तरह का पूजा है, कितने दिन व्रत रहते हैं? ये तीन दिन व्रत रहते, एक दिन खरना रहता है, दूसरे दिन जो है व्रत रहता है, 24 तीन दिन का व्रत रहता है। ये बेटा और पति के लिए व्रत रहते हैं। किसके लिए व्रत रहता है? ये बेटा के लिए लोग ज्यादा रहते हैं। इतना कष्टदायक है, क्या लगता है? इसका बहुत मान्यता है, छठ व्रत साल में एक बार आता है, लेकिन इसका बहुत महत्व होता है, लोग बहुत करते हैं, बहुत मानते हैं। कुछ महत्व के बारे में बताएंगे? नाम बता दीजिए। रंजीता मिश्रा। किस तरह का पूजा है, किसके लिए रखा जाता है, क्या मानता है? सूर्य देवता का व्रत है, बहुत पावन है, ये पति और बेटा के लिए है। कितने दिन का पूजा होता है, कितने दिन व्रत रहते हैं? तीन दिन व्रत रहते हैं। बाल दिवस के अवसर पर वाराणसी के बनपुरवा स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता स्पर्धा 2018 का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया एवं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाल दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता स्पर्धा 2018 का धमाकेदार आगाज हुआ। स्पर्धा विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाशा ध्यानानंद के सानिध्य में बतौर मुख्य अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार यादव के कर कमलों द्वारा स्वामी जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलन करने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्पर्धा शुभारंभ क्रम से खेलकूद के ध्वजा को फहराकर मार्च पास्ट की टुकड़ियों ने सलामी दी तथा मुख्य अतिथि द्वारा जलाई गई मशाल लेकर विद्यालय के सभी शाखाओं के स्पोर्ट कैप्टन ने मैदान में दौड़ लगाते हुए ध्वज के सामने आकर शपथ ग्रहण किया। फिर यह स्पर्धा अपनी गति पकड़ते हुए पूरे दिन सरपट भागती चली गई। इसके शुभारंभ से पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे ने 5 शाखाओं के खेलकूद शिक्षक के साथ आए खिलाड़ियों का परिचय मुख्य अतिथि से कराते हुए सबका स्वागत किया। बनपुरवा शाखा के विद्यार्थियों ने मुख्य अतिथि के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर लंबी दौड़, लंबी कूद इत्यादि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया व अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपने आप को आप सबके बीच पाकर अभिभूत हूँ, अति सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं विद्यालय प्रबंधन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि इस मेगा स्पोर्ट्स मीट को मैं विटनेस कर सकूं। आयोजकों एवं प्रतिभागियों के उत्साह को देखते हुए स्पष्ट है कि इन्होंने इस मेगा इवेंट को ग्रैंड सक्सेस में बदलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी एवं हर संभव प्रयास किया। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सुंदरपुर इलाके में बीती रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे लाखों के जेवरात समेत नकदी पर किया हाथ साफ। चोरी से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र निवासी अंकित चौरसिया व उनकी पत्नी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, तभी बीती रात चोर मौका पाकर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत 50,000 नकद को उड़ा ले गए। सुबह जब पड़ोसी जगे तो उन्होंने मकान का ताला टूटा हुआ देखा। इसकी सूचना उन्होंने अंकित को दी, जिसके बाद अंकित ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला घर पे कोई था नहीं, एक मेरा भांजा है, वो गया हुआ है इस समय वैष्णो देवी, दूसरे सब लोग गए हुए थे डॉक्टर मिठाई खिलाने। घर पर कोई था नहीं, ताला तोड़ के सामान वामान सब जितने थे, गाने थे, कपड़े थे, नकद पैसे थे, सब ले गए।
नगद पैसे थे। कितना? करीब 50,000 के आसपास रहा होगा। और हाल मतलब गहने में सब कुछ लगभग कितने की चोरी? लगभग कम से कम 2.5-3 लाख के ऊपर का हुआ है। अभी हम लोग सामान पूरा छुए भी नहीं, लेकिन 2.5-3 लाख से ऊपर का सामान हम लोग का गया है। घर पे कोई नहीं? घर पे कोई नहीं। वाराणसी के BHO स्थित 89 UP बटालियन NCC ने NCC ग्रुप मुख्यालय और वाराणसी के निर्देशन के सहयोग से बुधवार को कैडेट्स ने नगर के दुर्गा कुंडे से 80 इलाके तक मधुमेह जागरूकता रैली निकाली। आयोजित रैली में प्रतिभाग करने से पहले डिविजनल कोऑर्डिनेटर के जिला संचालक रणविजय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी के विशेषज्ञों ने 89 UP बटालियन NCC लोकेशन पर NCC कैडेट को मधुमेह के कारण बचाव एवं जीवन शैली में परिवर्तन से मधुमेह की रोकथाम के विषय में जानकारी दी। तत्पश्चात कैडेट्स ने मधुमेह संबंधित बैनर एवं प्ले कार्ड दिखाते हुए BHO मेन गेट, लंका मार्केट, रविदास गेट इत्यादि से होते हुए 80 घाट तक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में 3 NCC अधिकारी, 6 PI स्टाफ और 180 कैडेट्स ने भाग लिया। ये कैडेट्स मुख्यतः वाराणसी और चंदौली जनपद के छात्र हैं। उसके असिस्टेंट CMO डॉक्टर PP गुप्ता को भी आज यहाँ पे आके आप सबको इस डायबिटीज के बारे में जानकारी देने के लिए जो कोऑर्डिनेशन किया है, ये भी मिस्टर रणविजय सिंह के द्वारा ही किया गया है। अभी मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर PP गुप्ता खड़े हों ताकि कैडेट्स उन्हें देख पाएं और इनके लिए ताली बजाएं। धन्यवाद डॉक्टर PP गुप्ता। सो आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम आपको इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको पर्याप्त एक्सपीरियंस है इसके बारे में, वो आपको डायबिटीज क्या मर्ज है इसके बारे में बताएंगे। तत्पश्चात आपको बताएंगे इसके कारण क्या हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम उस बीमारी को आने ही ना दें ताकि हमें उसका इलाज ना करना पड़े। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस बाल दिवस के उपलक्ष में धूमधाम से मनाया गया, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। नवनीत कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। साथ ही साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गईं। इसके साथ ही चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि भी दी गई। मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों से चाचा नेहरू के बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए भी कहा। इस अवसर पर छात्रों में मिष्ठान व चॉकलेट का वितरण भी किया गया। पब्लिक स्कूल सुसवाही वाराणसी आज अपने विद्यालय में चिल्ड्रेंस डे का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के याद में यह दिन मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर। इसमें आज बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, खेल कूद आयोजन किया गया, लघु नाट्य किया गया। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि उनके बताए हुए राहों पर चलना और देश का विकास करना। जय हिंद, जय भारत।
वाराणसी के भैलूपुर थाना अंतर्गत 80 घाट पर स्नान के दौरान 43 वर्षीय विमला देवी की मौत हो गई। वहीं बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने शव की तलाश कर पुलिस को सुपुर्द किया। मिली जानकारी के अनुसार विमला सी घाट पर स्नान करने गई थी, जहां नाव में उनकी साड़ी फंस गई और वह डूब गई। महिला को तलाश करते हुए बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने उनका शव खोज निकाला। ज्ञात हो कि विमला के पति सदानंद पटेल की पिछले कई वर्षों पहले अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी लाश रोहनिया थाना क्षेत्र के डफलपुर गाँव के एक तालाब में मिली थी। वहीं घटना के बाद विमला अपने मायके में केदारनगर नेवादा में रहती थी। 80 चौकी थाना भेलूपुर ने पंचनामा के बाद शव को परिजनों को देने की बात कही। मेरा नाम दिनेश कुमार है। ये आपकी कौन है? बहन हमारी। यहाँ क्या करने आई थी? ये कल घर से शाम को 3-4 बजे लगभग निकली थी, अपना घूमने फिरने आई थी, लगता है किसी से बताई नहीं थी। तो कैसे पता चला आपको कि मतलब सुबह हमारे किरदार एक फ्रेंड सत्यजीत वही कहें कि आपकी बहन की लाश यहाँ मिली है, पुलिस वाले निकाले हैं, तो वही हम लोग सूचना पकड़ आए हैं। कहाँ मकान है इनका? इनका मकान कंचनपुर थाना मुड़गढ़ी में है। ये हमारे कहन के पति का जब मृत्यु हो गया तो हमारे यहाँ जाकर रह गई है। इसी जगह से इलाज इलाज चलता था इनका, दवा वा सब हमारे यहाँ से। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज। नमस्कार।